Dear students, today I am going to teach you some addition and subtraction. Now, take question number 3 of exercise 8C and part will be 4. Then, अगर ऐसे लिखा होगा तो मैं कल ही आप लोगों को बताया था कि इसको लाइक टर्म को हम ऐड करेंगे तो हम देखिए इसको कंटिन्यूअस करके कैसे लिख रहे हैं 2x square, फिर इसको लिख रहे हैं प्लस 7y square। साइन के साथ किसी भी नंबर को हम पहले या बाद में लिख सकते हैं। फिर हम लिख रहे हैं -8xy square। अब इसको लिखते हैं हम लोग, देख रहे हैं 3x square, इसका साइन प्लस साइन तो हमें यहां लिखेंगे 3x square। फिर y square है, इसके पहले साइन माइनस है तो यहां लिखेंगे -y square। 2xy square है, इसके पहले साइन प्लस है तो प्लस 2xy square। सब लाइक टर्म है और लाइक टर्म को वन बिलो आफ्टर वन आफ्टर वन लिखते जा रहे हैं, वन आफ्टर अनदर, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसे लिखते चले जा रहे हैं। एंड हियर इज प्लस 6y, वन आफ्टर वन, इसमें हम देखते हैं -x square है तो यहां लिखेंगे -x square। प्लस 4y square, प्लस 4y square, प्लस xy square, प्लस xy square, एंड -xy। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे। देखिए ये दोनों प्लस है, 3 और 2 प्लस है तो 3/2 ऐड कर देंगे, 5 हो जाएगा। अब 5 - 1 करेंगे, अगर केवल यहां कुछ नहीं लिखा तो इसको 1 सपोज कर लेंगे, मैं कल भी बोला था, इसको भी 1 मान लेंगे, इसको भी 1 मान लेंगे। तो 3 to 5, 5 - 1 करेंगे 4, मींस और ये 5 प्लस है और ये 1 माइनस है तो 5 का जो साइन होगा बड़ा माने 5 जो 5 वैसे होगा 5x square - 1x square। तो आप देखेंगे 5 ग्रेटर है और इसका साइन प्लस है इसलिए हम यहां लिखेंगे प्लस 4x square। आफ्टर दैट देखिए 7 प्लस है और 4 प्लस है, दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगे, 7 and 4 11, और 11 ये प्लस 11 होगा और माइनस 1 कर देंगे तो 11 - 1 10, और इसका साइन प्लस होगा 10y square। फिर यहां देखें ये 2 और 1 ये दोनों प्लस है, मतलब 2 और 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3xy square, और क्या है -8y square। अब ये नहीं देखेंगे कि बीच में प्लस है तो इसको ऐड करेंगे, ऐसा नहीं करना है, ये माइनस है और ये प्लस है तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, 8 - 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा और 8 ग्रेटर है इसमें साइन माइनस लिखी जाएगी, -5y square, एंड इट विल बी -5y square। फिर यहां देखें, यहां हम लिख लें केवल समझने के लिए, ये -8 और -1, -1 ऐड हो जाएंगे तो ये -9xy हो जाएगा, -9xy एंड प्लस 6xy। अब ये माइनस ए प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3xy, और साइन क्या लिखी जाएगी, 9 ग्रेटर है उसका साइन माइनस है इसलिए -3xy।
दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर होगा। और ऐसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, केयरफुल होके, बिल्कुल केयरफुली सॉल्व करेंगे, हम उसी नंबर को ऐड कर सकते हैं जिसका साइन सेम हो, लाइक साइन रहेगा तभी ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और अगर अनलाइक साइन है, दोनों का साइन अगर अपोजिट है, एक का प्लस एक का माइनस, तो उसे हम सबट्रैक्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर देखें, सबट्रैक्ट 5x फ्रॉम 2x, केयरफुली इसको पढ़ेंगे, देखिए लिखा हुआ है सबट्रैक्ट फर्स्ट लिखा है 5x फ्रॉम 2x, फ्रॉम 2x मीन्स 2x में से 5x को सबट्रैक्ट करना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2x माइनस 5x। देख रहे हैं 5 ग्रेटर है 2 लेस है, तो 5 में से 2 सबट्रैक्ट कर देंगे 3x, और 5 ग्रेटर है इसका साइन माइनस है, इसलिए आपको माइनस हो जाएगा माइनस 3x। इसी तरह मान लीजिए इसका फिफ्थ पार्ट लेते हैं हम लोग, फिफ्थ पार्ट सबट्रैक्ट 10x स्क्वायर फ्रॉम माइनस 7x स्क्वायर, तो माइनस 7x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन तो लगा रहे हैं जिसको सबट्रैक्ट करना है, लेकिन देख रहे हैं दोनों का साइन निगेटिव है, माइनस है, इसलिए हम यहां माइनस लिख देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, 7 and 10 17x। Thus, your answer will be minus 17x square. इसी तरह सबट्रैक्शन में थोड़ा सा देख लें, कॉलम मेथड से भी हम लोग सबट्रैक्शन थोड़ा सीख लें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सब्ट्रैक्ट फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, 5a + 7b - 2c फ्रॉम 3a - 7b + 4c। इसको कॉलम मेथड से करेंगे, मीन्स इस नंबर को इसमें से सबट्रैक्ट करना है, तो कॉलम मेथड से जैसे हम सबट्रैक्ट करते हैं वैसे लिख लेंगे 3a - 7b + 4c और 5a + 7b - 2c। और कॉलम मेथड से जब हम सबट्रैक्शन करते हैं तो नीचे जो नंबर होते हैं उनका साइन अपने से चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, जैसे 5 है प्लस है तो इसको माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। ध्यान से देखें इस बात को, केयरफुली समझें, कॉलम मेथड से जब हम सबट्रैक्शन करते हैं तो जो नीचे वाले नंबर होते हैं उनके साइन को चेंज कर देते हैं, जैसे ये प्लस है प्लस 5 है तो इसको माइनस कर देंगे, ये प्लस है तो ये माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, बिल्कुल क्लियर दिखाई देना चाहिए, ये नहीं छोटा छोटा नहीं आपको करना। अब ये प्लस 3 है माइनस 3 है तो सबट्रैक्ट होगा, मीन्स ऐसे है 3a - 5a तो 5 में से 3 सबट्रैक्ट हो जाएगा 2a हो जाएगा और 5 ग्रेटर है इसलिए इसका साइन माइनस हो जाएगा। अब यहां देखें -7b - 7b दोनों ऐड हो जाएंगे -14b और ये +4c + 2c + 6c। तो जब भी आप सबट्रैक्शन करेंगे ये ध्यान रखेंगे कि नीचे वाले नंबर का साइन चेंज कर देंगे और फिर उसको आइडिया सबट्रैक्ट करेंगे। अब बाकी सिंप्लीफिकेशन है और ए बी सी दिया हुआ है, ऐसे ऐड सबट्रैक्ट करना है जैसे करना है, जैसे जैसे इंस्ट्रक्ट किया वैसे आप सॉल्व करेंगे। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, बाकी सब सिंप्लीफिकेशन है जैसे मैं बताया, एडिशन सबट्रैक्शन तो ऐसे आप करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो यू में आस्क। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम
a cube minus 4a square plus 5a minus 6 to up 10a square minus 2a plus 1. 11th question पे रहा है कि what must be subtracted. जैसे आपसे पूछा जाए कि 5 में से कितना subtract करेंगे 3 हो जाए, तो बहुत नए दिमाग पे जोर डालना है, 5 में से 3 subtract कर देंगे 2 आ जाएगा. So, तो what must be subtracted from a cube minus 4a square plus 5a minus 6 to up 10 ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन. तो इसको हम लोग ए क्यू माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस फाइव ए माइनस सिक्स एंड ए स्क्वायर माइनस थ्री बी सॉरी ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन, इसको सबट्रैक्ट कर देंगे रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा. इस नंबर के नीचे कोई साइन नंबर नहीं है इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा. ये प्लस दिया हुआ तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा. ए क्यूब का ए क्यूब हो जाएगा, ये दोनों माइनस है, टू वन मान लेंगे अगर आप तो फोर वन फाइव हो जाएगा. दोनों का साइन निगेटिव है इसलिए माइनस फाइव ए स्क्वायर. ये a का भी साइन दोनों का पॉजिटिव है इसलिए 5 प्लस 2 7 है और माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 लाइक साइन है इसलिए ऐड करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 By how much does one exceed 2x minus 3y minus 4? कह रहा है कि one 2x minus 3y minus 4 से कितना greater है? तो one में से subtract कर देंगे. इसको हम लोग लिख सकते हैं one minus 2x minus 3y minus 4. आर इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस टू एक्स. ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर वाले जितने साइन जितने भी नंबर है सबका साइन चेंज हो जाएगा. प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस है तो फिर ये भी प्लस. अब देखें ये प्लस वन और ये प्लस फोर, ये फाइव हो जाएगा. इसको हम लोग लिख सकते हैं फाइव माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई. चेक योर आंसर, इज इट करेक्ट? Let's see. Yes, that is your answer. So, like this, इस तरह से जो है आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे और अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप यू मे आस्क. थैंक यू.